ओम शांति। 10 जुलाई 2022। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। ओरिजिनल मुरली डेट 4 दिसंबर 1991। आज की मुरली में बाबा हमारा विशेष ध्यान तपस्वी जीवन पर खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते कि हर एक ब्राह्मण बच्चा तपस्वी तो है, क्योंकि तपस्या ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। परंतु तपस्वी भी दो प्रकार के हैं। कुछ हैं जो सफल तपस्वी हैं और वो बहुत थोड़े हैं, और बाकी जो हैं वो पुरुषार्थी तपस्वी हैं और वो ज़्यादा हैं। और बाबा आज की मुरली में सफल तपस्वी की निशानियाँ हमें बताएंगे। तो चलिए आज की मुरली सुनते हैं। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना, यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है
विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखें। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है व यही सोचते हो, चाहते तो नहीं हैं लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए न देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तू समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई ज़रूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं, समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे ही मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो,
ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है ये कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो, चेंज होने में तैयार हो? टीचर्स सभी तैयार हो? किसी को कहाँ भी चेंज करें तैयार हैं? देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रहे हैं। अच्छा यह भी अप्रैल में करेंगे, जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवें। सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज़ लेने चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज़ देने भी चाहते हो या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आ सकती है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या भंग होना माना मेरा, समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं यहाँ से वहाँ हो जाएंगी, बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो? कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राज़ी हैं वह हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार हैं, दादी दीदी जिम्मेवार हैं, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फ़ोटो टीवी में निकाल लो फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही ये आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी सहज योगी स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सभी तपस्वी आत्माएं हैं ऐसे अनुभव करते हो? तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वे और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी, मन भागेगा ज़रूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती हैं, सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती? अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर,
मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है बाप करेगा, मैं निमित हूँ तो हल्के, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना, कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है? ज़रा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन ज़रूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना, तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो या अभी होना है, यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट, जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हो। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो, इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती तो ना खुश भी होते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है? माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो, देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले गिफ्ट लेने वाले हो, सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं, सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी, फर्स्ट नंबर मायाजीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ, जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता, सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। वरदान, सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती।
क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मज़ा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह निराशा नहीं। स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति। कोई तपस्या